हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ डोर हैंगर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 पॉपसिकल स्टिक्स ले लिए हैं। 2 पॉपसिकल स्टिक्स को मैं टॉप एंड बॉटम में रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं इनको 1 बाय 1 ग्लू लगाकर अच्छे से स्टिक कर दूँगी टुगेदर। इनको आपको बिल्कुल पास पास चिपकाना है। आप चाहें तो छोटी पॉपसिकल स्टिक्स भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जायंट पॉपसिकल स्टिक्स ले रही हूँ। इसको आप अच्छे से ग्लू लगा के देखिए, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पे 2 को आपने बॉटम और टॉप में लगाया और उसके ऊपर आपने 5 लगा दिए, तो टोटल 7 हो गई। आप चाहे तो बड़ा फ्रेम भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल 7 पॉपसिकल स्टिक से बनाया। अब मैं इनको कलर कर दे रही हूँ। वैसे तो मार्केट में कलर्ड भी आते हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कलर नहीं थे, तो मैं इनको कलर कर दी वाटर कलर से। ये सिंपली वाटर कलर से भी बहुत अच्छे से कलर हो जाते हैं। आप अगर आपके पास कोई और कलर्स हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऑरेंज, पर्पल, येलो और उसके बाद मैं यहाँ पे रेड और ग्रीन कर दूँगी इसको। उसके बाद मैंने यही कलर्स मैंने चूज़ किए थे, तो मैं इसीलिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसको कलरफुल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसका बेस मैं यहाँ पर ब्राउन कर दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मेरा फ्रेम ऑलमोस्ट रेडी हो गया, कलर्ड हो गया। अब मेरे को 5 मिनट्स ड्राई होने के बाद देखिए इस तरह लग रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास ये फूल बचे थे इयररिंग्स के टूटकर, तो मैं फेंकती नहीं हूँ कुछ भी, और मैं यहाँ पर क्राफ्ट के लिए हमेशा अपना सेव कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर टॉप एंड बॉटम में दोनों फ्लावर लगा दिए। यहाँ पर मेरे पास मैंने लूप्स, यार्न से लूप बनाए और ये दोनों साइड में फ्रेम के लगा कर और इनको ऊपर नॉट कर दूँगी ताकि ये डोर पर हैंग हो जाए अच्छे से। और ये देखिए, इस तरह से कुछ रेडी हो गया है ये।